हेलो एवरीवन, आज का अपना वीडियो है हाउ टू यूज एचपी स्टाइलस पेन ऑन लैपटॉप। ये हमारा एचपी स्टाइलस पेन है, इसको देखेंगे किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ये है हमारा एचपी स्टाइलस पेन। ओके, ये चार्जिंग है, इसलिए इसमें किसी भी टाइप का सेल नहीं दिया गया है। लैपटॉप है अपना एचपी 360। 360 ये रोटेट हो सकता है, फ्लूइड टच है। पेन के साथ में हमें दो निब मिली है, दो टिप मिली है, जिसे हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इजली। इसको ऐसे थोड़ा प्रेस करके और इजली हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दो निब हमारे साथ में आई है। एंड इसके साथ में हमारा आई है एक सी टाइप की केबल, जो हमारे किसको पेन को चार्ज करने के काम में आती है। ठीक है, एक मैनुअल हमारे साथ में आया कि हाउ टू यूज़ स्टाइलस पेन। ठीक है, तो इसको मैनुअल को हम रखते हैं साइड में। अब देखते हैं हमारा पेन को। ये पेन है, तो यहाँ पे ये साइड में जो दिख रहा है ये एलईडी है यहाँ पे। ओके, ये एलईडी है। एंड इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ दिखाई देगा एक सी पोर्ट मिल रहा है, जिससे हम इसको इजीली इस केबल से कनेक्ट करके और चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कनेक्ट करते हैं इसको लैपटॉप से। ये हमारा लैपटॉप है, जिसमें हमें चार्जिंग के लिए या फिर फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सी टाइप का पोर्ट दिया गया है। साथ में इस एचपी लैपटॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करने पे ये यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जो कि बाकी लैपटॉप में नहीं दिया जाता है, जहां हमारे लैपटॉप को थोड़ा पतला बनाया जाता है। और यहाँ माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट दिया गया है, तो आप सी टाइप भी कनेक्ट करते हो, यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हो एंड माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आइए हम कनेक्ट करते हैं अपना पेन। तो ये देखिए अपना पेन कनेक्ट हो गया है। ये एलईडी है इसकी जो शो कर रही है, ये फुली चार्ज हो जाता है, तो ये जो एलईडी है वाइट ग्लो करती है। ओके, तो ये हमारी चार्जिंग का हो गया, किस तरीके से ये चार्जिंग करेगा। एंड देयर आर टू बटन्स, एज यू कैन सी देयर आर टू बटन्स, टॉप बटन एंड द बॉटम बटन। हमारा जो टॉप बटन है वो यूज़ किया जाता है राइट क्लिक के लिए, एंड जो बॉटम बटन है वो यूज़ किया जाता है इरेज करने के लिए। जो भी आप फोटोशॉप पे पेंटिंग करते हो या फिर आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हो या फिर नोट्स बनाते हो, तो उस टाइम पे जो भी आप राइट करते हो तो यू कैन इरेज बाय यूजिंग दिस बटन। ओके, ये बाय डिफॉल्ट सेट है, आप इसकी सेटिंग्स लैपटॉप में जाके चेंज कर सकते हो। तो आइए अपन लैपटॉप को ओपन करते हैं। कि हमारा लैपटॉप ओपन हो चुका है। अब यहाँ हम सर्च करते हैं, सर्च में जाके कंट्रोल बार में जाते हैं, एन एचपी पेन कंट्रोल। ठीक है, एचपी पेन कंट्रोल यहाँ पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेटिंग्स है, ये बाय डिफॉल्ट सेट है, इनको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। आप जो भी एज अ रिक्वायरमेंट कंट्रोल की, ऑल्टर की, विंडो की, जैसा भी आप चाहते हो वो आप यहाँ से सेट करके फिर यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बॉटम की दे रखी है इरेज की, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपके रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा और आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएगी। ओके, और इस लैपटॉप में सबसे अच्छी जो चीज़ लगी मुझे, यू कैन रोटेट इन 360। आप इसको एज ए टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो और उसको आप 360 के एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ हम निकालते हैं पेंट्स। ठीक है, यहाँ हम पेन निकालते हैं और इसको स्टाइलस पेन को इस पर यूज करते हैं। न्यू, तो हम स्टाइलस पेन को बड़ी ही आसानी से हम यहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत स्मूथली ये चलता है। यहाँ से हम किसी भी टाइप का ये ब्रश, यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ इस बटन को, ये बॉटम बटन है, ये अपना इरेज का था, तो इसको हम इजीली इरेज भी कर सकते हैं। ये देखिए, हम बॉटम बटन प्रेस करके जो भी हमने लिखा है उसको इरेज भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी इसकी हेल्प से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ ब्रश हमारा सेलेक्ट हो गया। एंड वी कैन ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम यूजिंग दिस पेन। फोटोशॉप पे जिसको पेंटिंग बनानी होती है, डिजिटल पेंटिंग, तो
तो उनके लिए तो ये पेन है उसका काफ़ी यूज़ है, और जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए भी ये पेन बहुत ही यूज़फुल पेन है। बहुत ही स्मूथली ये पेन चलता है, तो ये इसका रिव्यू हो गया। आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। जब सबसे पहले इसको चार्ज यूज़ करते हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें चार्ज करना होता है। यहाँ से हम इजीली चार्ज कर सकते हैं, और ये इसको यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।